सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। यार आज का हमारा वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग यूनियन बजट 2022 पे डिस्कशन करने वाले हैं। यार यहाँ पे क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत सारे टर्म्स हैं और सरकार ने बहुत अच्छे काम भी इसमें कर रखा है, बट ना ही हम उनके अच्छे काम को गिनाने वाले हैं, ना ही हम इसमें क्रिटिसाइज करने वाले हैं। जनरली ये वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हुआ है ऑन द पर्पस ऑफ एजुकेशन। इसमें काफी सारे ऐसे टर्म्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, या फिर जिनको नहीं पता कि यूनियन बजट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कौन निकालता है, ये सारी वन बाय वन सारी डिटेल को हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे और आई होप इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, और जैसे कि हमें पता है ये सब जो चीजें हैं ये कॉमर्स के जो टीचर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि वो उनका डेली बेसिस पे इन्हीं के साथ प्ले करना रहता है, उनके अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, ठीक है ये सब। और आज हमारे चैनल पे हमारे चैनल के जो इकोनॉमिक्स टीचर हैं, दैट इज रोशनी मैम, वो हमारे साथ जुड़ी हैं, इस डिस्कशन को और इंटरेस्ट बनाएंगी, क्योंकि ये इस चीज को लेके काफी ज्यादा नॉलेज रखती हैं। दैट्स वाई आज हम इनके साथ इस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो वेलकम टू रोशनी मैम। एंड मैम हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे यूनियन बजट से, स्टार्टिंग से, कि यूनियन बजट क्या होता है। एकदम बेसिक लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे और टॉप तक चलेंगे, कितने सारी स्कीम्स लेकर आई है सरकार इस यूनियन बजट 2022 में। ठीक है, तो गाइज जनरली इसमें जितने भी हम स्कीम्स के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, डेट्स के बारे में बताने वाले हैं, ये सब 2022 का जो यूनियन बजट बना है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें रहेंगी। कुछ प्रीवियस डाटा भी हम कंपेयर करेंगे, लास्ट के कुछ स्लाइड्स होंगे जिसमें ग्राफ के एस्पेक्ट्स पे हम पुराने डाटा को करेंगे, इस बार सरकार ने क्या किया। ठीक है, नाउ रोशनी मैम आप स्टार्ट कर सकती हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बजट डिस्कस करेंगे 2022 की। चलिए फर्स्टली हम देखेंगे बजट क्या होता है। आपको आपके माइंड में आता होगा बजट क्या है। तो बच्चों, बजट वो है कि एनुअल स्टेटमेंट, जैसे हम अपने घर में भी बजट बनाते हैं, आपकी मम्मा बनाती हैं, आपके पापा बनाते हैं मंथली बजट, कितनी रेवेन्यू है और कितना एक्सपेंडिचर है, वैसे ही हमारी गवर्नमेंट, हमारा सरकार बनाती हैं कि क्या उनकी रेवेन्यू है और क्या एक्सपेंडिचर करेंगे, अगर उसमें गैप होता है तो वो कहाँ कहाँ से बोरो करेंगे, तो एस्टिमेट लगाया जाता है। और बच्चों सर्वे और बजट में डिफरेंस होता है। सर्वे वो होता है कि बजट से एक दिन पहले आता है और वो प्रीवियस एस्टिमेशन होता है कि प्रीवियस हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, और बजट जो कमिंग ईयर है, कमिंग ईयर में हमने कितना एक्सपेंडिचर करना है, हमारी रेवेन्यू की क्या है, इसका हम एस्टिमेट लगाते हैं, उसे हम बजट कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब आपके मन में आता होगा कि बजट बनाता कौन है। तो बजट बच्चों फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करती हैं, बट उनके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो कि जो उनकी हेल्प करती हैं। और आपको लगता होगा कि बजट फैब में आता है तो जनवरी में बना लेते हैं, नहीं, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस पूरे ईयर चलता रहता है। हर स्टेट बनाती हैं और फिर स्टेट बना के फाइनेंस मिनिस्टर को देती हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और वो प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो अब थोड़ा हिस्ट्री भी जान लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है बजट की। तो फर्स्ट जब जो हमारे ब्रिटिशर थे उन्होंने फर्स्ट टाइम जो बजट है वो बनाया था 1860 में, और जिनका नाम क्या था, जेम्स विल्सन। ये आप नोट कर लीजिए, आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे इंडिपेंडेंट, जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद जो सनमुखम चेट्टी जी थे 1947, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए, उन्होंने प्रेजेंट किया था आफ्टर इंडिपेंडेंट। अब देखेंगे कि आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि कौन कितने टाइम आपके ये बोल सकते हैं। तो हम मोरारजी देसाई जो थे उन्होंने 10 बार बजट को प्रेजेंट किया, पी चिदंबरम जी ने 9 बार बजट को प्रेजेंट किया, और प्रणब मुखर्जी ने 1 बार प्रेजेंट किया। तो ये नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये जितने भी डेट्स वगैरह आप बता रही हैं मैम ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे भी इसके बारे में उतना आइडियाज नहीं है और काफी चीजें मेरे को भी यहाँ से सीखने को मिला। गाइज आप लोगों को भी ये जितने डेट्स मैम बता रही हैं, है ना, और किसने कितने बार बनाया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट
फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, ये सारी चीजें नोट करते चलना, क्योंकि हम लोग देखो हमारा वीडियो बनाने का मेन मोटिव है आपको इसकी जो टर्म्स हैं, जो मेन मेन टर्म्स है वो चीजों से जागरूक करना, है ना। वैसे तो आपको हजारों वीडियोज मिल जाएंगे यूनियन बजट पे समझाते हो कि भाई ऐसा है, इस बार मिडिल फैमिली को प्रॉब्लम हुआ है तो इसको प्रॉब्लम हुआ है, है ना। तो हम किसी को क्रिटिसाइज करने के मकसद से ये वीडियो बिल्कुल नहीं बना रहे हैं। एज एजुकेशन पर्पस जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना वो सारी चीजें हम इन वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मैम। यस सर, थैंक यू। तो आप ये पॉइंट एग्जाम में आपको ये भी पूछ सकते हैं कि अब तक कितने बार प्रेजेंट हुआ बजट। तो 73 एनुअल बजट बन चुका है। 14 इंक्रीमेंट बजट, वो क्या बजट होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट का टाइम खत्म हो रहा है और बजट प्रेजेंट करना है तो जल्दी से बना देते हैं, वो होता है इंक्रीमेंट बजट। अब है कि स्पेशल बजट क्या होता है। स्पेशल बजट अगर किसी पर्टिकुलर चीज के लिए बन रही है, रेलवे के लिए बन रही है, तो वो स्पेशल बजट बोला जाता है। अब बोलिएगा मिनी बजट क्या है। तो इंक्रीमेंट बजट का जो लेआउट्स होते हैं, लेआउट्स एक बनाना होता है, उसको हम मिनी बजट बोलते हैं। हमारे भारत में 3 प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने प्रेजेंट किया था बजट को, और वो कौन कौन से हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। ओके, तो ये प्राइम मिनिस्टर थे जो कि उन्होंने यूनियन बजट को प्रेजेंट किया था एज अ प्राइम मिनिस्टर होके। अब ब्लैक बजट भी पूछ सकते हैं कि आप ब्लैक बजट किसे कहते हैं। तो क्या हुआ था, 1973 में 550 करोड़ का हमारा डेफिसिट चला गया था, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बजट बोलते हैं। और ये किनके टाइम पे हुआ था, यशवंत राव जो थे उनके टाइम पे हुआ था, और ये 550 करोड़ का हमारा डेफिसिट हो गया था। डेफिसिट क्या होता है, जब हमारी रेवेन्यू से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है हम उसे डेफिसिट बोलते हैं, और सबसे हाईएस्ट था उस टाइम पे 1973। तो इनडायरेक्टली मैम देखा जाए तो मतलब भुखमरी वाला केस आ गया, है ना, मतलब अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया रेवेन्यू से तो, है ना। यस सर। अब देखेंगे चेंजेस कैसे हुआ। बजट बहुत बार चेंज हुआ कि टाइम चेंज हुआ, मंथ चेंज हुआ। तो 1999 में यशवंत सिन्हा जो थे उन्होंने क्या 5 PM से 11 AM उन्होंने चेंज किया था। अरुण जेटली ने क्या किया, फैब लास्ट वीक ऑफ फैब में प्रेजेंट होता था, उन्होंने फर्स्ट फैब को प्रेजेंट होता है तब उन्होंने चेंज किया था। निर्मला सीतारमन जी ने हाईएस्ट बजट प्रेजेंट किया था, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। और निर्मला सीतारमन जी ने जो ब्रीफकेस था, पहले जो होता था हमारा लेदर ब्रीफकेस में जो बजट है वो लाया जाता था पार्लियामेंट में, उन्होंने निर्मला सीतारमन जी ने क्या किया, बही खाता में उसको चेंज कर दिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ऐसे भी नॉलेज होना चाहिए हम लोगों को। तो अब देखिए कि किसने हिस्ट्री बनाई प्रेजेंट करने की। तो निर्मला सीतारमन जी ने हिस्ट्री बनाई कि लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड उन्होंने लिया था बजट को प्रेजेंट करने में, और वो कितना लिया था, 2 hours 40 minutes। वैसे जब बजट होता है वो सिंपल और शॉर्ट होना चाहिए ताकि कॉमन लोगों को भी समझ आए, तो इस बार तो कम था टाइम पीरियड, सबसे कम टाइम उन्होंने लिया अपने टाइम पीरियड में, लेकिन उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया 2 hours 40 minutes का। सर दैट इज टू लॉन्ग, है ना, बहुत ज्यादा टाइमिंग था 2 hours 40 minutes में। इसमें काफी सारी चीजें ऐसी तो होंगी जो आधे लोग को समझ में ही नहीं आ रहा होगा, कितने बार पढ़ते होंगे तब जाके उनको फाइनली बजट समझ में आ रहा होगा। ओके, ठीक है। यस सर, मुझे भी लगता है कि कोई ऐसे डिपार्टमेंट होना चाहिए ताकि जो जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उनको भी समझ आए बजट। अब हम देखेंगे 2022 में क्या चेंजेस आए, क्या जो है गवर्नमेंट लेके आई है। तो अब टैक्स स्लैब में देखेंगे तो टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं आया 2020 में जो चेंज हुआ था उसके बाद 2021 एंड 2022 में कोई चेंज नहीं हुआ है टैक्स स्लैब में, आप देख सकते हैं। मतलब जो 2021 में जो टैक्स स्लैब बना था, लाइक जो टैक्सेस में चेंजेस किए गए थे, वो इस साल भी, इस साल के जो बजट में भी सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। ओके ओके, ठीक है।
अब देखेंगे कि जीडीपी, जीडीपी आप सोच रहे होंगे क्या है, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है विद इन द कंट्री उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं और ये ग्रोथ को दिखाता है। तो हमारे इंडिया में 9.2% का ग्रोथ है 2022 में एस्टिमेट लगा रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या है, अब इन्होंने जो निर्मला सीतारमण जी ने क्या बोला है कि पहले हम मैक्रो लेवल पे वर्क करते थे, मैक्रो मतलब कि लार्ज लेवल पे, इंडिविजुअल मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पे एकदम बिल्कुल डीप में जाके करते हैं, उस चीज को नहीं फोकस किया जाता था। इस बार क्या है, माइक्रो से मैक्रो ले जाएंगे, मतलब छोटी छोटी चीजों को भी देखेंगे और उससे बड़ी चीजों को बनाएंगे, तो माइक्रो से मैक्रो ले जाना है। प्रोडक्टिविटी लिंक स्कीम आया है, प्रोडक्टिविटी लिंक वो स्कीम होता है जहाँ पे मैन्युफैक्चर, अगर वो कोई फॉरनर है या डोमेस्टिक जो भी है बिजनेसमैन, अगर वो करना चाहती हैं बिजनेस या मैन्युफैक्चर करना चाहती हैं तो जो गवर्नमेंट है वो इंसेंटिव्स देती हैं। तो प्रोडक्टिविटी जो लिंक है इसमें क्या हुआ है, ₹30 लाख करोड़ दिया सरकार ने, और जिससे क्या होगा 60 लाख न्यू जॉब क्रिएट होगी जो कि बहुत अच्छा है। अब हम एग्रीकल्चर में देखते हैं कि क्या है, आपको पता ही फार्मर ने बहुत सारे एजिटेशन किए जिससे जिसकी वजह से क्या किया गवर्नमेंट ने ₹2.37 लाख करोड़ एमएसएमई में दिया है पैडी और बीट में। किसान ड्रोन से क्या होगा, इरिगेशन फैसिलिटी, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर किया जाएगा, किससे किया जाएगा, ड्रोन से किया जाएगा। कीन बतवा रिवर है जो कि एमपी और यूपी में बहती हैं, उनमें क्या है कि इरिगेशन फैसिलिटी को बनाया गया जिससे उसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ₹44.05 करोड़। फिर है कि जैसे कि आप देखते होंगे कि इरिगेशन जो भी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स जो भी यूज होते हैं उसकी वजह से हमारे जो रिवर है वो पोल्यूट होते हैं। तो सरकार बोलती है कि अगर आप इरिगेशन करेंगे तो आप रिवर से 5 किलोमीटर दूर हटके आप एग्रीकल्चर कीजिए ताकि जो हमारा रिवर है वो पोल्यूट ना। ये था हमारा। तो इसमें मैम सरकार कुछ जो मान लीजिए कि जिनकी जमीन है नदी के वो जो रिवर है उसके किनारे जिनकी जमीन है उनको सरकार सब्सिडी देगी है ना, वो तो अपना जमीन खाली तो छोड़ेंगे नहीं, अगर सरकार को चीज हटाना है वो कह रही है 5 किलोमीटर दूर आपको ये एग्रीकल्चरिंग करनी है तो जाहिर सी बात है सरकार कुछ ना कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, उनकी जमीन को भी अपने अंडर करेगी और उन्हें जो भी कमीशन बनेगा वो प्रोवाइड करेगी है ना। यस सर, आप लोग आपने सुना भी होगा कि जैसे किसी के घर जो घर है वो बिल्कुल रोड के किनारे होता है तो रोड वो तुड़वा देते हैं फिर वो पैसे देते हैं उनको गवर्नमेंट, तो वैसे ही करते हैं। अब ये 4 प्रायोरिटीज हैं जो कि जो गवर्नमेंट है सरकार ने फोकस किया और बहुत इम्पोर्टेंट है नॉलेज के बेस पे भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट है गतिशक्ति, गतिशक्ति वो स्कीम है ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट करके चलना है, एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट नहीं करना है। फिर है फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी स्टार्टअप के लिए एमएसएमई के लिए ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड कराना, फ्री लोन, इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराना, ये सब प्रोडक्टिविटी लिंक आपने देखा था उसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड कराना। दूसरा है सनराइज, जो इंडस्ट्रीज है ज्यादा डेवलप्ड हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आईटी सेक्टर, इनको क्या, इनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना। अब आप एक चीज डिफरेंस देखिए, एक होता है सनराइज और दूसरा होता है सनसेट। सनराइज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो ज्यादा आप देख रहे होंगे आईटी सेक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा ग्रोथ हो रही है, और सनसेट इंडस्ट्रीज कौन सी होती है जैसे हैंडलूम, जो ट्रेडिशनल जो सेक्टर्स जो इंडस्ट्रीज होती थी वो है। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, मतलब इस बार जो गवर्नमेंट ने ये 4 फैक्टर पे सबसे ज्यादा जोर डाला है ना जो न्यू बजट यूनियन बजट में, ये 4 इस पे बेस पे ही सारा जो बजट है वही है। ओके यस सर,
अब वुमेन और चिल्ड्रंस के लिए क्या किया है, आपने आंगनवाड़ी सुना होगा जहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे वर्क होता है, तो उसमें उसको ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, इम्प्रूव करना, उसमें नई इंसेंटिव्स देना और ज्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगी वुमेन और चिल्ड्रंस के लिए। और नारी शक्ति स्कीम से उसमें डेवलपमेंट करना, उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, ये है वुमेन एंड चिल्ड्रंस के लिए, आंगनबाड़ी के थ्रू करेंगे। ट्रैवलिंग में आप देखिए, जैसे पता है मोदी जी जो सरकार है वो ज्यादा डिजिटल पे फोकस करती है, तो हमारा ई पासपोर्ट हो गया, आप एक चिप है देंगी, चिप से आप स्कैन करेंगे और जो उस इंसान का जो चिप होगा उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, तो ये है ट्रैवलिंग में। ट्रेवलिंग में मैडम मैम हाँ सरकार ने, मैडम अगर मेरे पास भी एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवलिंग की बात करें तो 2021-22 के आसपास 2,33,000 करोड़ के आसपास उन्होंने बजट बनाया था, और इस बार का जो देखा जाए तो 3,51,000 के आसपास, 51,000 करोड़ के आसपास का बजट है। मतलब देखा जाए तो अच्छा खासा इसमें बजट इस बार गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है पिछले बार के अकॉर्डिंग, मतलब प्रमोट पूरी कर रही है ट्रेवलिंग को। ई गति शक्ति जो स्कीम है ये इसके लिए ही है। और ज्यादा से ज्यादा पहले भारत माला देखते हो सुना होगा आपने, अब एक नई स्कीम लेके आई है पर्वत माला, माउंटेन्स पे वर्क करेंगी, जो रॉप वे होता है उसके लिए कि जल्दी से ज्यादा ट्रैवलिंग कर सकते रॉप वे से, तो उसके लिए 60 किलोमीटर लेंथ बनाया जाएगा। और पर्वत माला एक नई स्कीम है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। टोटल स्पेंडिंग देखेंगे कि कहाँ कहाँ जो सरकार है वो स्पेंड कर रही है, सबसे ज्यादा देखिए कि टोटल उनका जो टोटल स्पेंडिंग है वो एस्टिमेट लगाया गया है ₹39.45 लाख की, उन्होंने सोचा है कि इतना वो एक्सपेंडिचर करेंगे और यही है मेन बजट, मतलब ठीक इस है। बार का जो बजट बनाया गया है 39.45 लाख करोड़ रुपए का टोटल बजट बना है। बट मैम अगर मैं पीपीटी को देखूं तो यहाँ पे अभी लिखा है कि अभी फिलहाल सरकार के पास सिर्फ 22.84 लाख करोड़ रुपए ही है, और उन्होंने बजट बनाया है 39.4 लाख करोड़ का। तो ये जो बीच में लगभग 18-19 लाख का जो गैप है, 19 लाख करोड़ का जो गैप है, वो सरकार कहाँ से फुलफिल करेगी? बोरोइंग्स करेंगी और जैसे वो बॉन्ड्स इशू करती हैं, बॉन्ड इशू करेंगी, उसके बाद बोरोइंग्स करेंगी, या आप प्राइवेटाइजेशंस करेंगी, ये सब करेंगी इसके थ्रू करेंगी। तो जैसे वैसे मतलब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा कुछ नहीं बोला है बिल्कुल कि वो इस बार प्राइवेटाइजेशन करेंगी, उन्होंने अपने स्पीच में नहीं बोला है, बट ये ज्यादा है। अपन अंदाजा एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अगर सरकार को 18-20 लाख करोड़ रुपए चाहिए तो वो कहाँ कहाँ से ला सकती है ना? यस ओके ओके तो स्टेट को भी बहुत सारा उन्होंने फंड दिया है, अब आगे हम जाके देखेंगे, 10 10 हजार से उन्होंने 15 हजार लाख करोड़ इंक्रीज किया है स्टेट के लिए। और इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा से ज्यादा किया जाएगा ताकि जो एक हमारा इनकम जनरेशन का सोर्स हो वो ज्यादा हो। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जैसे कि सैलरीज पे खर्च करती है सरकार, सब्सिडीज पे होती है, इससे कोई इनकम जनरेशन नहीं होता है। दूसरी तरफ है कैपिटल एक्सपेंडिचर, इससे क्या होता है बहुत सारे उनकी इनकम जनरेट होंगी। तो इस बार कह रहे हैं कि 35.4% जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करेंगी और ये हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत फायदेमंद है। और मिडिल क्लास फैमिली इसी चीज से नाराज है। मिडिल क्लास फैमिली का कहना ये है इस बजट के अकॉर्डिंग कि यार हमारे लिए कुछ नहीं मिला है ना, और बट निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि ठीक है अभी हम कुछ नहीं दे रहे बट फ्यूचर में आपके बच्चों के लिए हमने काफी प्लान करके रखा है। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली को थोड़ा सा समझना होगा यहाँ पे कि कुछ चीजों के लिए सबर करना जरूरी होता है। हम कॉमन भी तो यही सेविंग्स, हमारे मम्मी पापा क्यों सेविंग्स करते हैं, क्योंकि हमारे जो फ्यूचर बच्चे हैं वो अच्छे से खा जी पाए पी पाए, तो वो भी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे एमएसएमई के लिए क्या किया गया, ये दोनों जो स्क्रीन पे आपको स्कीम दिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है राइजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस,
ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई को प्रमोट किया जाएगा। दूसरा है एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ये पे आपने सुना होगा कि बैंक लोन देती हैं, बट प्राइवेट बैंक या गवर्नमेंट बैंक जो भी है वो क्यों देंगी लोन्स एमएसएमई को? तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप लोन दीजिए, इन केस अगर एमएसएमई अगर वो खराब हो जाती है, वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाती, तो हम आपको लोन देंगे, जो कि 2022 में खत्म होने वाला है। तो इस बार जो ये स्कीम था इसको 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, और ये इम्पोर्टेंट है, ये एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। और तीसरा पॉइंट देखिए, युद्धम, इस शरम, एनसीएस, ये सारे जो पोर्टल्स थे उनको इंटरलिंक्ड कर दिया गया है। बल्कि सरकार ने ऑलरेडी कर दिया है। उद्यम देखा जाए, ई श्रम, अगर जीएसटी पोर्टल वगैरह पे आप लोग विजिट करेंगे तो आप देखेंगे उद्यम ई श्रम का एक एडवर्टीजमेंट चलता रहता है ना। अगर आपको लोन वगैरह, एमएसएमईज हैं, स्टार्टअप कंपनीज हैं, आपको लोन चाहिए है ना, तो सरकार ऑलरेडी ये सब चीजें वहां से प्रोवाइड कर रही है। और आप चेक करोगे तो ये सारी वेबसाइट जो है ना, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे आपको शो अप करेंगी। ओके ठीक है। अब जैसे कि हमने गति शक्ति देखा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या क्या है? तो गति शक्ति मेन इनका मोटिव है, जिससे क्या होगा, रेलवे, रोड ज्यादा से ज्यादा प्रमोट होंगी। 7 इंजन इंक्लूड क्या क्या करती है, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवे, लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक वो होते हैं कि ट्रांसफर किया जाए गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह, और वो फास्ट हो, इसीलिए लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। और वंदे भारत, आपने सुना होगा कि वंदे भारत ट्रेन चली है, जो कि कम टाइम में लोगों को, पैसेंजर्स को ट्रेवल कराती हैं, और 400 न्यू वंदे भारत लॉन्च होंगी हमारे इंडिया में। फिर हाईवेज के लिए ज्यादा से ज्यादा हुआ है, आपने भारत माला प्रोजेक्ट सुना होगा, तो वो रोड्स के लिए होता है। सॉवरेन ग्रीन, और इस आपने आपने पूछा था सर कि जो है 22 लाख करोड़ ही उनके पास है, और ये जो गैप है उनका वो कैसे करेंगी? तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स होती हैं गवर्नमेंट जो इशू करती हैं मार्केट में, और उससे जो वो इनकम जनरेट करें। ओके यस सर। नया चीज लाया गया है सरकार के द्वारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए, जो नॉर्थन आसाम से, ये 7 स्टेट्स होते हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स, उनको ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करने के लिए ये नया चीज लाया गया है। तो इसके लिए ₹1500 करोड़ उन्होंने कहा है कि वो इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे करेंगे खर्च। नहीं, ये बहुत अच्छा है मैम। अगर देखा जाए तो प्रीवियसली 5-6 साल 7 साल से देखा जाए, डाटा को देखा जाए, तो नॉर्थ ईस्ट की जो जितनी भी हमारे स्टेट्स हैं, हमारे इंडिया की नॉर्थ ईस्ट वाली जितनी स्टेट हैं, पहले माना जाता था वहां पे सरकार काम नहीं कर रही है, वहां के लोग बहुत ज्यादा, पहाड़ी इलाका है ना, तो लोग बहुत ज्यादा परेशान भी रहते थे। बट इधर 5-6 साल से देखा जाए तो सरकार काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है उस एरिया में भी वर्क करने के लिए। अभी रिसेंटली मैंने कुछ गवर्नमेंट के कुछ वीडियोस वगैरह भी मैं देख रहा था, उनमें भी देखा कि मैंने नॉर्थ ईस्ट के काफी सारे स्टेट्स हैं जहां पे जो लोग बाहर, वहां के जो यूथ थे वो बाहर जाके जॉब ढूंढते थे, आज वहीं पे अपना बिजनेस कर रहे हैं। गवर्नमेंट उनको पूरी सपोर्ट कर रही है कि आप अपने एरिया में रह के ही बिजनेस कीजिए। मशरूम का बिजनेस देखा जाए है ना, ये सब काफी पॉपुलर बिजनेस है इस एरिया का। सर एजुकेशन में भी उनको बहुत सारे वो मिलता है कि आप आइए पढ़िए, उनके पास में एजुकेशन, उनके स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज भी नहीं है, तो इन सब चीजों के लिए वो ज्यादा से ज्यादा करेंगे डेवलपमेंट। और बॉलीवुड में भी देख सकते हैं सर कि बॉलीवुड में अब एक न्यू मूवी आ रही है, तो नॉर्थ बधाई हो, नॉर्थ इंडिया को ही, कैरेक्टर को ही लिया गया है, तो ये सब अच्छी बात है, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग को कोई पैसे नहीं मिले प्रमोट करने के लिए, ठीक है, तो आप लोग इस पे टेंशन मत लीजिएगा। मैम ने जस्ट एक सजेशन दिया, अगर नॉर्थ इंडियन की आप देखना चाहते हो वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, तो आप वो मूवीज को देख सकते हो, आपको काफी ज्यादा आइडिया मिलेगा नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे में। कास्ट किया गया है, वैसे नॉर्थ इंडियन को कास्ट नहीं करते हैं नॉर्थ, जो भी नॉर्थ ईस्ट के हैं, तो बस इस बार बॉलीवुड ने कास्ट किया है, बधाई हो। मैं प्रमोट नहीं कर रही बट बता रही हूं नॉर्मल। एजुकेशन जो कि बिल्कुल डिजिटल कर दिया गया है, ई विद्या डिजिटल, जिसमें क्या है 200 टीवी चैनल्स लाया गया है। टीवी चैनल्स आप देखते होंगे कि जो स्वयं प्रभा, स्वयं स्वयं जो भी होता है चैनल, उस पे ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया गया है।
जो डिजिटल टीचर्स होते हैं उनको हायर किया गया है सब, मतलब आप मान लीजिए तो एजुकेशन पूरा डिजिटल हो गया है। जाहिर सी बात है, जो हमारी प्लान है एडोग्रोन का भी सेम यही हमारा भी प्लान है कि पूरा का पूरा डिजिटलाइजेशन करने का, नॉट ओनली फॉर पढ़ाते चलो पढ़ाते चलो पढ़ाते चलो। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इस साल हम कुछ नए स्किल्स के प्रोग्राम्स लेकर आ पाएं, क्योंकि फ्यूचर में आपके पास डिग्री मैटर नहीं करता, अगर आपके पास कोई स्किल है ना वो सबसे ज्यादा मैटर करेगा आपको एक अच्छी जॉब या बिजनेस के लिए। और एडोग्रोन का भी सेम मोटिव है और हम भी, हमारी पूरी टीम भी इस पे पूरे जोर शोर से काम कर रही है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक आपको काफी अच्छी अच्छी चीजें हमारे चैनल्स पे, हमारे वेबसाइट्स पे आपको चीजें देखने को मिलेंगी। ओके और सर हम एक चीज पे फोकस नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं हमारे टीचर जी। ओवरऑल पे हम लोग सिर्फ पढ़ा भी नहीं रहे, पढ़ाने के साथ साथ कुछ करियर डेवलपमेंट की बात करें, फ्यूचर करियर गाइडेंस की बात करें, है ना, कॉलेजेस की बात करें, रिव्यूज की बात करें, ये हर एक चीज हम लोग कोशिश कर रहे हैं बच्चों को वो हर एक गाइडेंस देना जो एक बच्चों के लाइफ में जरूरी है। दैट्स व्हाई हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग ओवरऑल ग्रोथ पे वर्क कर रहे हैं। और सर मैं अपने एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैंने मास्टर किया और मास्टर करने के बाद मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या करूँगी, जॉब बस करूँगी। जी मास्टर करने के बाद भी आपको ये अगर लग रहा है कि जॉब नहीं तो आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं लाइफ में, तो सही बात है। आप, मैं तो कहूँगी कि आप स्किल पे ज़्यादा फोकस कीजिए, डिग्री पे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सही बात। अब हेल्थ पे देखते हैं तो हेल्थ में जैसे कि हमें पता है कि लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, तो नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो कि डिजिटल प्रोग्राम है वो लाया गया है और 23 टेली मेंटल हेल्थ लाया सेंटर्स बनाया गया है और इसका जो नोडल एजेंसी है या नोडल जो सेंटर है उसको बैंगलोर को बनाया गया है। ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि नोडल सेंटर क्या है बैंगलोर, और निभांस के द्वारा ये स्कीम्स को लाया गया है, तो जो भी अगर मेंटली कोई डिस्टर्ब है तो ये इसके लिए अच्छी चीज लाई गई है, सरकार ने अच्छा किया। आजकल वैसे भी मार्केट में मेंटली डिस्टर्ब बहुत ज्यादा लोग होते जा रहे हैं, अब तो आधे लोग तो यूनियन बजट देख के आधे लोग डिस्टर्ब हो गए, उनको भी हेल्थ की बहुत ज्यादा जरूरत है। सरकार सही कर रही है, यूनियन बजट एक तरफ यूनियन बजट भी दे रही है, टेंशन भी दे रही है, और दूसरी तरफ उसका इलाज करने के लिए दवाई भी दे रही है। नहीं अच्छा है, अच्छा है, 23 सेंटर्स बनाई है, सही है। एक विलेज प्रोग्राम जो कि एक नया चीज लाई है सरकार ने कि अगर कोई बॉर्डर एरिया के पास में अगर कोई विलेज है तो उसको ज्यादा से ज्यादा पैसे देना ताकि जो विलेज के पीपल हैं वो रह सके, और ये इससे क्या होगा, सरकार को भी फायदा होगा और जो हमारे आर्मी पर्सन है आर्मी को भी फायदा होगा कि वहां पे लोग रहेंगे और उनसे क्या आर्मी फायदा उठा सकते हैं कि उनको सपोर्ट मिलेगा, उनको हेल्प मिलेगी, तो ये अच्छी चीज है। विपरन विलेज प्रोग्राम नोट कर लीजिए। बैंकिंग देखेंगे, बैंकिंग जैसे 75 डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि हमारा जो इंडिया है वो 75 हमारा हो गया ईयर आजाद हुए, तो 75 को ज्यादा फोकस किया गया है, उसी से लिंक किया गया है 75 डिस्ट्रिक्ट में जो डिजिटल हो जाएगा, मतलब सरकार हर कुछ को डिजिटल कर रही है, ट्रांसपोर्ट डिजिटल, एजुकेशन डिजिटल, हेल्थ डिजिटल, बैंकिंग डिजिटल, ओवरऑल सब कुछ डिजिटल और हम भी डिजिटल। यस सर, हम भी डिजिटल। एक्सेलरेट द कॉर्पोरेट एग्जिट सेंटर, जैसे कि अगर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर है वो अच्छे से प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही हैं, तो अगर वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं तो जैसे ही वो एंट्री करते हैं वैसे ही वो एग्जिट कर सकते हैं, उनमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, ये अच्छी बात है। और ABGC प्रोग्राम जो गया है, ये चीज़ देखिए ये भी डिजिटल हो गया, गेमिंग पे माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उन्होंने गेमिंग पे ज़्यादा फोकस किया गया है, कॉमिक बुक हो गया, एनिमेशन हो गया, विजुअल चीजें हो गई, इस ये चीज पे जो गवर्नमेंट है सरकार है वो फोकस कर रही है। नहीं इस पे अच्छा सा गवर्नमेंट ने ये चीज देखा है, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग पे बहुत अच्छा, क्योंकि दो तीन साल से देखा जाए तो जब से लॉकडाउन और ये जब चीजें आई हैं ये सब चीजें काफी ज्यादा मार्केट में प्रमोट हुई है। यस सर, बहुत ज्यादा। टेलीकॉम सेक्टर, जैसे कि हमें पता है कि 4G से हम 5G पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो 5G लाया जाएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो जोन होता है जहाँ पे और जगह से जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो अलग होते हैं, तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन हटा के दूसरी चीज़ों को प्रमोट करेंगी, ये आप
इकोनॉमिक जो भी एग्जाम देंगे वो इस चीज को नोट कर लीजिए, और डेवलपमेंट, एंटरप्राइज, सर्विस हब, ये सब चीजों पे फोकस करेंगे। आत्मनिर्भरता इन डिफेंस, जैसे कि हमें पता है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं डिफेंस चीजों को, तो ये सरकार चाहती है कि हम खुद बनाएं, चाहे जो भी हो, फाइटर प्लान्स हो, कुछ भी हो, हम खुद बनाएं। तो इसमें क्या किया गया है, पहले 58% था 2021 में, अब इससे इसको बढ़ा दिया है 68 कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट। ओके, मतलब पहले 2021 की तरफ उधर देखा जाए तो 25% जो डिफेंस में आरएनडी वगैरह के लिए दिया जा रहा था, अभी उसको 58% बढ़ा दिया गया है। यस सर। ओके, और जिसमें से 25% रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, नए आर्म फोर्स क्या क्या होंगे उन पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। सनराइज, जो भी आईटी सेक्टर है, जो भी रिसर्च डेवलपमेंट है, इस चीज पे ज्यादा फोकस किया गया, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जैसे कि हमें अभी बताया था, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा ताकि गवर्नमेंट के पास ज्यादा से ज्यादा इनकम हो और फ्यूचर जनरेशन को हेल्प मिल सके। तो नोट कर लीजिए 35.4% की इन्वेस्टमेंट होगी। गिफ्ट सेक्टर, गिफ्ट आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे इंडिया में गिफ्ट जो है अहमदाबाद और गांधीनगर में है, हमारे एक ही सेंटर है। गिफ्ट सिटी वो सिटी होती है जहाँ पर ऐसे वो एनवायरनमेंट दिया जाता है कि फॉरेन आप आ गए हो। सर अगर आप विजिट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बाहर हो, किसी फॉरेन स्टेट मतलब कंट्री में आ गए हो। ओके, टूरिज्म प्लेस जैसा बनाया गया है। यस सर। तो उसका क्या होता, आर्बिट्रेशन, किसी की अगर किसी को प्रॉब्लम है उस बिजनेस में, तो सिंगापुर उसका सेंटर था। तो सरकार चाहती है अगर किसी को बिजनेस की रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होगी तो कंट्री हमारे जो इंडिया में ही है वही सॉल्व किया जाए, और सेबी कह रहे हैं कि सेबी को इसको रूल मतलब हैंडओवर किया जाएगा। तो आर्बिट्रेशन, कोई भी शिकायत है तो आप विद इन इंडिया में ही सॉल्व कर सकते हैं। डिजिटल, जैसे कि आप क्रिप्टो करेंसी है, जो भी करेंसी है, सब सारी कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है, चाइना ने भी अपनी करेंसी ले आई है। तो आरबीआई जो हमारी रिजर्व बैंक है वो भी सोच रही है कि हम कुछ डिजिटल करेंसी को करें, जैसे कि अगर 100 है, 100 में से 90 वो कैश में करेंगे और 10% है वो डिजिटल फॉर्म में लाएंगे। ओके, तो इसी पे आई थिंक मेरे को भी जहां तक डाटा है इस बार से डिजिटल करेंसी पे भी 30% टैक्स लगा दिया गया है ना, इंडियन गवर्नमेंट ने डिजिटल जितने भी डिजिटल करेंसीज हैं उन पे 30% टैक्स लगा दिया है। इट मींस कि अगर आपको लॉस होता है तो सरकार उस पे कोई भी आपको वो नहीं करेगी। हाँ, अगर आपको फायदा हो रहा है, जो भी अमाउंट आप पैसे कमा रहे हो डिजिटल करेंसीज में, उसका 30% आपको गवर्नमेंट को देना होगा। इट मीन्स इनडायरेक्टली देखा जाए, बहुत अपन लोग को न्यूज मिलता रहता है कि यार डिजिटल करेंसीज जो है बैन होना चाहिए इंडिया में, बैन हो रहा है, ऐसे काफी सारे न्यूजेस मिल रहे हैं। बट ट्रस्ट में गाइज, आप अगर देख लो, गवर्नमेंट ने सीधे बोला है कि डिजिटल करेंसी पे 30% टैक्स लगाएंगे। तो कोई चीज टैक्स सरकार अगर किसी चीज पर लगा रही है, इट मीन्स वो लीगल है, मतलब वो चीज लीगल है, तभी तो उस पर टैक्स लग रहा है ना। तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल ये नहीं बोला है इस बार कि, उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि हम लीगल कर रहे हैं, बट उन्होंने टैक्स अप्लाई किया है। इट मींस हो सकता है कि आगे चलकर डिजिटल करेंसीज जो है, क्रिप्टोज हो या जो भी है, उन पे उसको लीगल कर दिया जाए। ये जस्ट हमारा एस्टिमेशन है, गवर्नमेंट ने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं कहा है। उन्होंने बस टैक्स लगाया है और वो सोच रही है कि आज जैसे बाकी कुछ कंट्रीज है जो अपने डिजिटल रूपी लॉन्च किया है, आरबीआई भी उसको लॉन्च करना चाह रही है। जस्ट अ एस्टिमेशन है ना, डायरेक्टली वो सपोर्ट कर रही है, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है। ओके, यस सर। मोबिलाइजिंग द रिसोर्सेज, मतलब ज्यादा से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करना, इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा उनकी इनकम जनरेट होगी। एनर्जी ट्रांजेक्शन क्लाइमेट, ये क्या था कि हम आपको पता ही है कि जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बोला था कि 2022 में वो 100 गीगावाट जो भी है सोलर रेन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेंगी। तो इस पे फोकस किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेन्यूएबल एनर्जी है वो जनरेट हो
और सोलर एनर्जी पे 280 जो गीगावाट है 2030 तक करेंगी। तो ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी हो गई, इस पे फोकस करती है सरकार। प्रोवाइडिंग ग्रेटर फिजिकल स्पेस, अब इस स्लाइड में हम देखेंगे कि जो सरकार है वो स्टेट के लिए क्या कर रही है। तो आप फर्स्ट पॉइंट में देखिएगा जो कि जो पहले है 10,000 करोड़ जो है बजट से क्या इंक्रीज कर दिया गया, 15,000 करोड़ कर दिया गया है स्टेट के लिए। और स्टेट को बोला गया है कि आप अपने GSDP मतलब अपने जो भी आपके ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके 4% आप फिजिकल डेफिसिट ले सकते हैं। मतलब कि अगर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में गैप है तो आपका जितना GDP है उतने में 4% आप डेफिसिट में 4% तक आप डेफिसिट ले सकते हैं। ओके, तो ये चीज स्टेट के लिए किया गया है सेंटर के द्वारा। अब फिजिकल मैनेजमेंट, ये डेटा है कि क्या था, कितना सोचा था पिछली साल में और उन्होंने कितना क्या किया और आगे एस्टीमेट कितना लगाया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट पे ये है कि ₹34.83 लाख उन्होंने खर्च किया, सोचा था और खर्च कितना किया 37.70 लाख करोड़। देखिए ये प्रीवियस डाटा है, ये प्रीवियस डाटा है मैम 2021 का। ओके, ये 2021 का डाटा है कि सरकार ने पिछले साल का बजट बनाया था 34.83 लाख करोड़ के आसपास और खर्चा हुआ था टोटल 37.70 लाख करोड़ के आसपास। ओके ओके, तो ये जो बीच का गैप है डेफिसिट है जो कि फिजिकल डेफिसिट हमारा है। और इस साल का जो एक्सपेंडिचर एस्टिमेट लगाया गया है वो 39.45 लाख करोड़ लाया गया है और यही बजट है सरकार की। बट गवर्नमेंट के पास कितने पैसे है, ओनली 22.84 लाख करोड़। तो फिजिकल डेफिसिट कितना हो सकती है ये एस्टिमेट लगाया गया है, वो तो अगले साल में हमें जाके पता चलेगा, नेक्स्ट 2023 में जाके। तो 6.9% का जो है वो हमारा डेफिसिट है। डेफिसिट आपको पता ही है कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में जो गैप होता है उसको डेफिसिट बोलते हैं। तो ये स्लाइड है, आप देखिए इस स्लाइड में क्या है, ये रेवेन्यू साइड है कि कितनी उनकी रिसिप्ट्स आती हैं और एक्सपेंडिचर साइड की कितना वो एक्सपेंडिचर करते हैं। रिसिप्ट्स आप देख रहे हैं 22 है और हमारा कितना एस्टिमेट लगाया गया है 31 एक्सपेंडिचर करेंगी। तो ये रेवेन्यू हो गया, ये कैपिटल से कितना होता है जनरेशन, रिसिप्ट की रेवेन्यू से कितना होता है जैसे टैक्स लगाया तो वो रेवेन्यू हो गया। कैपिटल मतलब कि कितना जनरेशन हुआ, कितनी बिल्डिंग से आ गई, जो भी प्राइवेटाइजेशन से आ गया वो कैपिटल हो गया। एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू साइड क्या है कि सैलरीज पे सब्सिडीज पे कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, और कैपिटल में मतलब कि कैपिटल में एक्सपेंडिचर रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कितना खर्च कर रही है। तो ये दोनों है, आप देख लीजिए इस स्लाइड को, और बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। सर क्वेश्चन कोई? नो मैम। अब ये स्लाइड है कि कितनी क्या डेफिसिट है, आप लोगों को दिख रहा होगा फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और इफेक्टिव डेफिसिट। मैं वन बाय वन शॉर्ट में आपको समझाती हूँ। फिजिकल डेफिसिट वो डेफिसिट होता है जब टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर को देखते हैं माइनस जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसको हम नहीं देखते, टोटल में होता है वो फिजिकल डेफिसिट। रेवेन्यू कितना रिसिप्ट और कितना एक्सपेंडिचर, प्राइमरी में फिजिकल डेफिसिट से माइनस होता है इंटरेस्ट पेमेंट, उसको माइनस जो इंटरेस्ट होता है उसको पेमेंट को माइनस कर देते हैं, वो प्राइमरी डेफिसिट होता है। और इफेक्टिव डेफिसिट वो होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टेट, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि 4% अपनी GDP का वो डेफिसिट ले सकती हैं, तो इफेक्टिव जो अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर में करनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टेट को दिया जाता है फॉर द कैपिटल डेवलपमेंट, फॉर द कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको हम इफेक्टिव डेफिसिट कहते हैं, जो कि 2011-12 में आया गया, इंट्रोड्यूस हुआ था, ये भी नोट कर लीजिए। तो ये है फिजिकल डेफिसिट हमारा कितना रहेगा 6.4 और रेवेन्यू होगा 3.8
2.8 होगा हमारा प्राइमरी और इफेक्टिव हमारा होगा 2.6। मैम ये जो डाटा स्क्रीन पे दिख रहा है, जी, ये वही मैं पूछ रहा था, ये जो डाटा दिख रहा है 21-22 का और अभी का डाटा देखा जाए, है ना, 21-22 का अगर देखा जाए डाटा, यहाँ पे 3.3 हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डिफेक्ट है, फिर 3.7 हमारा प्राइमरी था, 4.7 हमारा रेवेन्यू था और 6.9 हमारा फिजिकल था। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए 2022-23 में तो फिजिकल यहाँ पर 6.4 हुआ है ना, मतलब 5.5 यहाँ पे कम हुआ है। उसके बाद 3.8 देखा जाए तो रेवेन्यू डिफेक्ट यहाँ 4.7 से 3.8 हो गया है। तो ये जो वैल्यूज कम हो रही है इसका क्या मतलब, ये बेकार है अपने कंट्री के लिए या अच्छा, ये वैल्यू जितनी कम रहेगी उतनी अच्छी रहेगी? तो जितनी डेफिसिट कम होगी उतनी अच्छी होगी। ओके ओके। और ये क्यों है ज्यादा आप ये भी देखिए, क्योंकि हमारे पेंडेमिक की वजह से ये सारी इंक्रीज हो गई थी। अब जैसे जैसे रिकवरी वी शेप से हम रिकवर कर रहे हैं तो वो कम हो रही है डेफिसिट, और जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। अब जैसे कि टैक्स जो बजट है वो ए और बी पार्ट में प्रेजेंट होता है, हमने ए पार्ट कवर किया और बी पार्ट में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स ले देखेंगे। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है कि जिस पे इम्पोज किया जाता है वो फाइनली उस टैक्स को पे करेगा। एग्जाम्पल कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स हमने टैक्स स्लैब देख लिया, कोई चेंजेस नहीं आया। बट क्या हुआ कि अगर कॉर्पोरेट सोसाइटीज होती हैं, आपने देखा होगा कोई सोसाइटी हो करके, कोई बैंक हो गया, किसी मतलब मिलके कोई वर्क कर रही है, तो उस पे क्या हुआ 18.5% से 15% मतलब रिड्यूस कर दिया गया है टैक्स पे। ओके, मतलब 18.5% पहले टैक्स लगता था, ये जैसे समिति वगैरह हो जाते, समिति हो गई है ना जो ग्रुप्स कोऑपरेटिव वर्क करती है, अब उस पे टैक्स 15% कर दिया गया, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है जी। ये थोड़ा सा गवर्नमेंट ने पिछली बार के हिसाब से इस बार सही किया। ओके, सेकंड पॉइंट सर, आपकी फेवरेट विजिटर ये वर्चुअल डिजिटल, इस पे भी 30% का टैक्स लगा दिया गया है। ओके ठीक है, ये तो मैम ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ से भी पैसा निकाल रही है, लेकिन यार हमें भी तो सिक्योरिटी देना चाहिए ना। अगर जानते ही डिजिटल करेंसी वगैरह में क्या होता है, कभी भी मान लो आपने पैसा लगाया उस पर कोई भरोसा नहीं है, लक पे डिपेंड करता है कि वो बढ़ेगा या घटेगा, है ना। तो अगर माइनस में जा रहा है तो सरकार बोलेगी, हाथ खड़े कर देगी, यार मैं नहीं जानता तुमको, और फायदा हो गया तो 30% दे दो यार, ये मेरे को थोड़ा सा पसंद नहीं आया यार मैम। वो डेफिसिट इसी से तो कवर करेंगे अपनी, जो नहीं सही है, जो 39 सोचा है और 22 है, तो इन सब चीजों से ही तो वो कवर करेंगे। ओके, तो तीसरा पॉइंट है स्टार्टअप, जो भी स्टार्टअप है उसके लिए जो टैक्स रिडक्शंस दिया गया है और वन ईयर को एक्सटेंड किया गया है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, जो स्टार्टअप्स के जो पीरियड्स मिलते थे, जनरली कोई भी स्टार्टअप रजिस्टर्ड होती है तो उनको 3 साल तक सरकार गवर्नमेंट पूरी सुविधा देती है ना। आपको अगर किसी इंक्यूबेशन सेंटर से कोई लोन वगैरह चाहिए, टैक्सेस माफ रहते हैं 3 साल तक। बट प्रॉब्लम ये बाद में चल के पता चला, ये अभी बहुत ज्यादा पुरानी बात थी, 5-6 साल हुआ है स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने बढ़ावा दिया है, और 3 साल तक का वो पूरा टैक्स वगैरह माफ करने का प्लानिंग था। बट देखा जाए काफी सारी जो स्टार्टअप कंपनीज है, जो रिसेंट में आपके बहुत सारे एग्जाम्पल ले ले, ओयो का एग्जाम्पल ले ले, तो जितनी भी स्टार्टअप्स होती है ना, स्टार्टिंग में 3 से 4 से 5 साल तक ना उनको कोई उतना इनकम नहीं होता है, आफ्टर डेट वो इनकम करना स्टार्ट करती हैं। तो यार ये थोड़ा सा स्टार्टअप के लिए गड़बड़ है, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 साल में टैक्स नहीं देना, उसके बाद टैक्स देना है, ये चीज को सरकार को कम से कम 5 से 6 साल रखना चाहिए था कि टैक्स नहीं देना है, क्योंकि कोई भी स्टार्टअप कंपनी है वो 3 साल तक तो वो इनकम जनरेट कर ही नहीं पाती, और उस बीच में आप टैक्स मार, जब उसका इनकम हो ही नहीं रहा तो वो टैक्स वैसे भी नहीं दे पाएगा, है ना, तो आप उसमें टैक्स माइनस करके रखे हो, जैसे बंदे ने इनकम करना स्टार्ट किया आप उस पर टैक्स लगा दिए। तो ये अच्छा किया सरकार ने एक साल इंक्रीज किया है उसको, बट मेरे हिसाब से इसको 2-3 साल और एक्सटेंड करना चाहिए था मिनिमम। जितने भी स्टार्टअप्स कंपनी है सबका भी यही कहना है, कम से कम 5 साल या 6 साल, तो कम से कम मिनिमम 5 ईयर तो ये छूट देना चाहिए स्टार्टअप्स के लिए। सर आपने भी स्टार्ट किया तो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं जी। तो इनडायरेक्ट टैक्स आप देखिएगा, तो इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जिस पे टैक्स लगाया जाता है या तो वो पे करेगा या तो वो किसी और को पास ऑन कर देगा, जैसे शॉपकीपर्स वगैरह करते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि 2017 में आया
और भी सेल टैक्स हो गया, इंपोर्ट कस्टम ड्यूटीज हो गई, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या किया गया है, जो इंपोर्ट गुड्स होती थी उस पे टैक्स लगाया गया है, और जो एक्सपोर्ट जो गुड्स होते हैं उस पे टैक्स रिड्यूस किया गया है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आते थे हमारे, उस पे टैक्स ज्यादा से ज्यादा लगाया गया है ताकि लोग उसको इंपोर्ट ना कर पाए। और थर्ड पॉइंट आप देख रहे होंगे कि एक होता है ब्लेंडेड फ्यूल्स और दूसरा होता है अनब्लेंडेड फ्यूल्स। ब्लेंडेड फ्यूल्स में क्या होता है, पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिलाया जाता है, और जैसे कि हमें पता है कि गवर्नमेंट क्या इलेक्ट्रिक चीजें या फिर जो है पोल्यूशन कम करने के हाइड्रोजन लिए, फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल को भी बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट इस साल से, इलेक्ट्रिसिटी हाँ, हाइड्रोजन फ्यूल। ओके तो जो अनब्लेंडेड फ्यूल्स होंगी उस पे ₹2 पर लीटर पे उसको लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। अब इस स्लाइड में देखेंगे कि जो सरकार के पास कहाँ से पैसे आते हैं और कहाँ से पैसे ज्यादा जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो सरकार के पास पैसा आता है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स से आता है, और बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा इनकम और कॉर्पोरेट टैक्स से आता है, और जो गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है वो, आप इंटरेस्टिंग है, आपको जान के हैरानी होगी कि वो अपना इंटरेस्ट पेमेंट पे ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करती है। इंटरेस्ट पे, तो इसीलिए भाई सरकार जो लोन लेती है दूसरी कंट्रीज से तो मैक्सिमम पैसा उसका इंटरेस्ट पे करने में चला जाता है। ओके यस ठीक सर, है। आप, हाँ यस सर, आप देखिए कितना है, 20%। 20% हमारा जो सरकार है वो अपना इंटरेस्ट पेमेंट पे खर्च आप इस करती ग्राफ में देख सकते हैं ये 20% रुपीज गोज टू अपनी इस तरफ है हमारा कम्स फ्रॉम, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है। तो इस ग्राफ पाई चार्ट को देखा जाए तो 35% आप देख सकते हो ब्लू कलर से शो कर रहा है, 35% बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से जो है वहां से पैसे आ रहे हैं। उसके बाद देखा जाए तो रेड कलर से आपको 15% का ये दिख रहा होगा कॉर्पोरेट टैक्स जो देते हैं, कॉर्पोरेट जितने भी है जो टैक्स देते हैं वहां से 15% से 15% इनकम सरकार वहां से करती है। उसके बाद 15% ये भी है इनकम टैक्स जो भी हम लोग पे करते हैं इंडिविजुअल हो चाहे कॉर्पोरेट्स हो जो भी इनकम टैक्स वगैरह फाइल करती हैं। तो ये तीन बड़े जगह हैं जहां से सरकार अपना पैसा इकट्ठा करती है। से भी 16%, ये देख लीजिए गुड्स एंड, ये सिक्सटीन मैंने परसेंट मतलब ये भी गुड्स ये एंड सर्विस टैक्स, यस गुड्स एंड सर्विस टैक्स से भी आज सरकार सबसे ज्यादा पैसा निकाल रही है। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए सरकार कहाँ इन्वेस्ट कर रही है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तीन बड़े यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहा है हमें, एक 20, एक 15 और 17 है ना। तो 20% यहाँ पे जा रहा है हमारा येलो कलर डार्क येलो में इंटरेस्ट पे कर रही है जो बाहरी लोन वगैरह लेती है सरकार दूसरे कंट्रीज वगैरह से, तो वहां पे सबसे ज्यादा पैसा पे हो कर रही है सरकार। अगर इसको किसी तरीके से कम किया जाए तो काफी ज्यादा फायदा मिलेगा पूरी कंट्री को, है ना। इसीलिए सरकार वर्क कर रही है, प्राइवेटाइजेशन वगैरह जो चीजें की जा रही है ना इसी का कुछ लॉजिक्स है ना। फिर देखा जाए 17% आप देख सकते हो ग्रीन कलर से, तो यहाँ पे पेंशन, पेंशन में सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है। जैसे कि हमें पता है जितने भी जॉब करने वाले लोग हैं उनको सबसे ज्यादा खुशी यहीं से मिलती है कि भाई अगर उनका जॉब कंप्लीट हो जाए उसके बाद उनको पेंशन मिलना चाहिए। कितने लोग पेंशन को लेके धंधे पे क्या बोलते हैं उस पे धरने पे बैठे रहते हैं, है ना। तो सरकार इस पे भी आप नहीं कह सकते हो कि सरकार आपका पेंशन खा रही है। आप देख सकते हो सबसे ज्यादा पैसा एक तो इंटरेस्ट में जा रही है, दूसरा लोगों को पेंशन देने में जा रही है, ठीक है। उसके बाद 15% देखोगे तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो चला, सेंट्रल जो स्कीम्स चला रही है बड़े बड़े स्कीम जैसे गति शक्ति स्कीम हो गई, अभी प्रोडक्टिविटी वाली स्कीम्स हो गई, ये सब में आपका सरकार पैसा वेस्ट कर रही है, वेस्ट नहीं कर रहे, वेस्ट नहीं कह सकते हैं, मतलब जा रहा है पैसा ऐसा कह सकते हैं। तो ये ओवरऑल ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, इन ग्राफ के कुछ मेन जो पॉइंट्स है उनको आप जरूर नोट डाउन कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये। ओके तो सर यही था, हमने ज्यादा कम से कम जो भी है सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। ओके तो ओवरऑल मैम ने जितना मुझे समझाया है, मुझे भी इसके यूनियन बजट के बारे में उतना कुछ आइडिया नहीं था, मतलब हाँ पता है यूनियन बजट क्या होता है ना, इस साल आया तो मैं उतना नहीं समझ पा रहा था चीजों को। फाइनली मैम के साथ आज ये मीटिंग था और मैं सोचा कि यार ये मीटिंग आप लोग के साथ भी शेयर कर दिया जाए जिससे कहीं ना कहीं यार आपको भी इसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं लास्ट की कुछ पॉइंट कहूं तो मुझे क्या समझ में आया पूरे, मैं क्रिटिसाइज, देखो हमारा ये वीडियो बनाने का क्रिटिसाइज करने का बिल्कुल मकसद नहीं है, ठीक है, बट ओवरऑल जो मुझे समझ में आया उसमें मैं तीन लाइन कहना चाहूंगा, दैट इज गरीब को मिली सब्सिडी,
अमीर को मिला रिबेट, मिडिल क्लास वाले तुम देखो टीवी, तुम्हें मिला ये डिबेट। ठीक है, बस मेरे को ये फाइनल समझ में आया, क्योंकि मुझे लगता है यार कि 2000 पिछले साल जो यूनियन बजट आया था उसमें मिडिल क्लास वाले काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनके लिए उतना कुछ था नहीं, और इस साल लग रहा था कि कुछ मिडिल क्लास फैमिली के लिए कुछ किया जाएगा। बट इस साल भी देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो मिडिल क्लास वाले काफी सारी चीजें सरकार कर सकती थी मिडिल क्लास के लिए, बट यहाँ पे नहीं किया गया है। और एक बहुत प्यारे प्यारे रीजन दे दिए गए हैं, लाइक ये फ्यूचर हम आपके बच्चों के लिए प्लानिंग करके कर रहे हैं, तो यार जो अभी परेशान है उनका क्या है ना। तो काफी सारी चीजें हैं यार, डिमेरिट मेरिट इसमें है इन, आप खाना बाद में देंगे तो कोई फायदा नहीं है। बात सही है, भूख मुझे अभी लगी है और खाना आप 2 दिन बाद दोगे तो मैं तो क्या पता मैं रहूं भी टपक गया तो, है ना। तो थोड़ा सा ठीक है, पूरा नहीं बट कुछ परसेंट तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए था, बट ठीक है। अच्छा मैंने मैम एक और चीज सुना है, इस बार जो पहले आई थिंक जो बजट रखा जाता था सूटकेस वगैरह में रखते थे, है ना, इस साल से इस बजट को आई थिंक क्या बोलते हैं उसको, बही खाता। ओके, बही खाता के फॉर्म में चेंज कर दिया गया, इस बार से बही खाता के फॉर्म में पूरा रखा गया है। इस बार से नहीं, हाँ पिछली बार से ही। हाँ ओके, और निर्मला सीतारमण जी ने किया है, ये है बस। अच्छा, निर्मला सीतारमण जी ने जब से बजट बनाना काम किया, पहले सूटकेस में आता था है ना, उसके बाद उन्होंने बही खाते के फॉर्म में यूनियन बजट प्रेजेंट करने लगे हैं। ब्रीफकेस देखा होगा आपने, उसके फॉर्म में आता, सॉरी मैं पिक्चर्स डालना भूल गई, बट पहले लेदर की जो ब्रीफकेस आता उसमें आया करता था, अब एक पाउच की तरह जो आपने फर्स्ट स्लाइड पे देखा उस वो है। ओके ओके, ओवरऑल गाइस आई होप आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नॉलेजेबल लगी होगी, काफी सारे मैम ने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर किया, एज अ कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट आपको काफी सारे पॉइंट बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।